आज हम जानने वाले हैं रैश के टॉप 5 पोकेमोन्स के बारे में जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, रैश के नंबर 1 पे जो पोकेमोन डिजर्व करता है वो है अपना प्यारा पोकेमोन चार्जार्ड। चार्जार्ड एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली पोकेमोन है ऐश का और वो एग्जैक्टली सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस पोकेमोन है ऐश का और उसकी पावर बहुत ज़्यादा हाई लेवल की है। नंबर टू पे जो पोकेमोन है वो एक्चुअल में इन दोनों में फ़र्क करना था मुश्किल था पर मैंने किया, जो है ग्रीनिंजा। ग्रीनिंजा को नंबर 2 पे इसलिए रखा गया है ताकि उसका एक्सपीरियंस कम है इसी की वजह से, नहीं तो वो चार्जर पावर में कम नहीं है, वो भी ये डिजर्व करता है। नंबर थ्री पे जो पोकेमोन है वो बहुत कम एक्सपीरियंस है, वो ऐसा एक नया पोकेमोन है जो बहुत जर्नीस में है, आप पहचान गए होंगे, लुकारियो, आई मीन मेगा लुकारियो। वो ऑफिशियली मेगा लुकारियो हो चुका है, इसकी वजह से वो काफ़ी शक्तिशाली है और वो मेगा अल्काज़ाम से भी फाइट करने वाला है, देखते हैं कौन जीतेगा। नंबर फोर पे जो पोकेमोन है वो एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग फायर फाइट पोकेमोन है जिसका नाम है इन्फोनिप। इन्फोनिप की ताकत बहुत हाई लेवल की है, उसने स्नो में पॉल के इलेक्ट्रिक वायर को भी हरा के कमाल कर दिया था, वो मॉल्ड्रेस से भी आया है जर्नीस में लड़ने के लिए। नंबर फाइव पे जो पोकेमोन है उसका नाम है वो ग्रास टाइप पोकेमोन में ऐश का बहुत शक्तिशाली पोकेमोन भी है और वो एज अ स्वेन में था तो आप उसे पहचान लिए होंगे, वो है अपना प्यारा पोकेमोन सेप्टाइल। सेप्टाइल की ताकत एकदम हाई लेवल की टच में है जिसकी वजह से उसने मिथिकल पोकेमोन डार्क राय को हराया है और मेके ब्लेजिकन के साथ भी बहुत अच्छी बैटल की थी और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से ही वो नंबर 5 को डिजर्व करता है। तो चलेगा इस बाय। हाँ दोस्तों, मेरे भाई के चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा देना, लाइक शेयर भी ज़रूर करना। तो मेरे भाई उससे बात करो, तो भाई जो मेरे भाई ने बोला प्लीज़ नहीं उसकी बात सुनो और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी ऑन कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय 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 गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।